वीडियो ना बना के इधर आनी चाहिए ना, इधर ये भी आनी चाहिए ना, तो वही थोड़ा पास में बस बस स्टार्ट हो जाओ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग सभी लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आते होंगे कि उनसे बड़ा आज तक पूरे विश्व में अहिंसा का पुजारी ये तो गौतम बुद्ध थे, उसके बाद महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है। महात्मा गांधी का जीवनी आप लोग सब लोग जानते हैं कि गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, तो अक्टूबर 1875 में, और उसके बाद उनकी पढ़ाई, उनके पिताजी दीवान थे, छोटी सी रियासत थी, और उसके बाद उनकी पढ़ाई वढ़ाई चालू हुई जैसा हुआ, और उनकी माता जी चौथी वो वाइफ थी अपने पिताजी के, उनके पिताजी की चौथी वाइफ थी, उनके पहले तीनों वाइफ उनके प्रेगनेंट थे, उसके बाद उनके प्रसव के दौरान उनकी मौत हो जाती है, तो ये पिताजी की लास्ट संतान थी। और क्या बचपन से मतलब ये जीवन हम लोगों के लिए क्या जीवन एक सब मतलब कि सीखने के लिए भी है कि ये कोई मतलब कि पैदा होते ही बहुत बड़े वो नहीं हो गए, मतलब इन्होंने उनको सब पैदाइश ही मिल गया, ये बचपन में इन्होंने इनकी आदत मतलब कि इनका जो जीवनी पढ़ेंगे तो जानेंगे मतलब कि इन्होंने भी बहुत गलत काम किए थे, व्यसन और चोरी ये सब काम थे, लेकिन इन्होंने हर चीज़ को इन्होंने अपने जीवन में सीख ली, ये कोई चीज़ गलती करे उसके बाद पकड़ जाए उसको दोबारा वो नहीं करते थे, और यही चीज़ें इनको धीरे धीरे महान बनाती गई, और इन्होंने अपने जीवन में उनके घर का जो धार्मिक वो था, और चूँकि गुजरात गए थे तो वहाँ पर जैन धर्म का भी इनका प्रभाव पड़ा, वहाँ पर अहिंसा जैन धर्म में पहले से ही जैन धर्म आज करने पहले से ही है कि जैन धर्म के बारे में कि वहाँ पर शाकाहार और सहता अहिंसा ये सब चीज़ें में धीरे धीरे इनके मन पर प्रभाव पड़ा, तो इन्होंने सब चीज़ें धीरे धीरे त्याग कर दी जो अपने बुरे काम थे, और तो मतलब कि धीरे धीरे इनका अपना मानसिक और वो विकास हुआ, इनका शैक्षिक विकास हुआ, तो पढ़ाई में इतने ठीक तो नहीं थे, लेकिन चूँकि इनके पिताजी अच्छे पद पे थे तो इनकी पढ़ाई चलती रही, फिर इनको बैरिस्टर के लिए पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में भेज दिया गया, उसके बाद इंग्लैंड में पढ़ाई किया उन्होंने, और इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए तो इन्होंने जब अपनी वकालत चालू की तो ये नहीं है कि बैरिस्टर पढ़ाए तो मतलब कि चूँकि वो शैक्षिक इनका वो इतना अच्छा था नहीं था, लेकिन तो इन्होंने मुंबई में जब प्रैक्टिस की तो इनका पहले मुकदमा ये हार गए, उसके बाद हार गए तो वहाँ पे भी ये थे धीरे धीरे उन्होंने इनका मतलब कि काम वहाँ नहीं चला, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे वो मुंशी वाला काम चालू कर दिया, मुंशी वाला काम करके छोटे मोटे इसी तरह काम धंधा इनका चलता रहा, फिर इनका उनके जीवन में असली बदलाव तब आया जब ये साउथ अफ्रीका के लिए किसी मुकदमे के सिलसिले में वहाँ गए, इनको बुलाया आया तो गए, इनको इनके साथ क्या हुआ कि ये जब वहाँ पे सेंट पीटर मारिट्सबर्ग पर स्टेशन पड़ता है तो वहाँ पे इन्होंने इनको कहा गया कि आप डिब्बे में फर्स्ट क्लास डिब्बे में थे, तो इनसे कहा गया कि थर्ड क्लास डिब्बे में जाओ, तुम काले हो और तुम मतलब कि तुम इसमें नहीं बैठ सकते, जिनके साथ गंभीर की नींद वहाँ पर दी गई, तो उससे इनको क्या हुआ कि जब ने कहा कि नहीं मैंने इसका पिकअप किया तो मैं नहीं जाऊँगा, इनको ज़बरदस्ती बाहर धकेल दिया गया, उसके बाद इनके जीवन पर बहुत बड़ा बदलाव आया, उन्होंने कहा कि मैं अभी इसका जवाब मैं अपने सत्याग्रह से दूंगा, तो उन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह चालू कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो भारतीय थे वो भी इनके साथ आ गए, उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी वहाँ पे, अफ्रीका में ये रहे हैं लगभग 18 साल है, तो 18 नहीं कम 20 साल हैं, तो 20 साल में इन्होंने बहुत बड़ा बदलाव लाया, और काले गोरों की जो वहाँ की नींद चलती थी उसको पूरी तरह से मतलब कि सफलता प्राप्त की, उसके बाद फिर जब 1915 में यहाँ इंडिया आए तो यहाँ पर देखा कि यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है, यहाँ पे बहुत भेदभाव किए जा रहे हैं, अंग्रेज यहाँ पे भारतीयों के साथ बहुत वो करते हैं, अत्याचार करते हैं, और किसानों और गरीबों पर जुल्म ढाते हैं, तो इन्होंने इनकी गरीबों और अत्याचार जो नीचे वर्ग के निचले वर्ग के लोग थे किसान समाज के लोग इनके लिए लड़ना चालू किया, और उनको सत्याग्रह से कोई भी अपनी मांग होती थी तो वो इन सब तरीके से नहीं अपने सत्याग्रह से एक इन्होंने मतलब कि वो किया सत्याग्रह सन्य अवज्ञा आंदोलन, तो उससे उन्होंने किसानों और गरीबों की लड़ाई लड़ी और उनको मजबूत श्रेणी में खड़ा किया और देश की लड़ाई के आंदोलन में उनको भागीदार बनाया और उनको
ताकत दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुमको डरने की जरूरत नहीं है। और देश देश में बहुत बड़े महान क्रांतिकारी जो भी हैं, महात्मा गांधी के बिना वो कुछ नहीं है। महात्मा गांधी की वजह से ही सब अपना अस्तित्व मानते थे उस समय में, जो भी अपनी राय देता तो महात्मा गांधी को सबसे पहले रखता था, उनसे ही राय देता था। चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, सबको अपना गुरु ही मानते थे। हाँ, उनके वो अलग थे, मतलब अलग थे, लेकिन यह है कि सब उनको जानते थे कि मतलब कि इनसे ही सब हमारे पूरा आंदोलन इन्हीं से है। उसके बाद फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के चालू करने के बाद देश में अलग तरह की क्रांति आ गई। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग मतलब उसके लिए जागरूक होने लगे, अपनी लड़ाई लड़ने लगे। और उसके बाद उन्होंने 1942 भारत छोड़ो आंदोलन है कि नेतृत्व में लड़ा गया, और धीरे धीरे लोगों को जागरूकता आई और लोग समझे कि आज़ादी क्यों जरूरी है। और तो यही कहना चाहते हैं कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी जी का जितना योगदान, अप्रतिम योगदान था, उसकी तुलना करना कहीं मतलब कि वो नहीं किया जा तुलना नहीं की जा सकती। और पूरे विश्व में 2007 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाने लगा केवल इन्हीं के नाम पे, और इन्हीं के सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन के बाद पूरे विश्व में एक बार फिर से गौतम बुद्ध के बाद किसी ने अगर इसकी मतलब इस तरीके को अपनाया और उससे लड़ाइयाँ भी जीती और अपना मतलब अधिकार पाए, तो वो महात्मा गांधी के बदौलत आए हैं कि पुनर्जीवित किया इन्होंने सत्याग्रह को। और उसके बाद आज़ादी भाई ये नहीं चाहते थे, आज़ादी जब देश आज़ाद हो गया तो ये नहीं चाहते थे कि मतलब देश बंटवारा हो, लेकिन जब देखा कि मतलब कि यही लोगों को विचार है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब कि आप लोग जैसा चाहें वैसा कीजिए। उसके बाद इन्होंने देश को अपने हिसाब से चलाने के लिए वो अपने कुटीर उद्योग लोगों को लगवाया, और गरीबों के लिए स्वावलंबी बनाने के लिए लोगों को छोटे स्तर से चालू गांव-गांव में सब उद्योग लगाने का मतलब कि वो किया। उसके बाद देश आज़ाद हो गया तो क्या मतलब कि इनके कुल मिला के है कि 30 जनवरी 1947 में इनकी हत्या हो गई, लेकिन उसके बाद भी याद था कि इनके विचार और इनका योगदान क्यों जीवित है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इनके विचार वो मतलब कितने महान थे, और उन्हीं को अपना के लोग आज अपना जीवन कोई भी देश खुशहाल हो सकता है, केवल अहिंसा के बल पे हो सकता है, ना कि हिंसा के दम पे। और जितने भी आज देश हैं आप देख लीजिए विश्व में, पाकिस्तान हो चाहे जो भी हो, अफगानिस्तान हो, हिंसा है तो वहाँ के नागरिक खुश नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग, अपने देश में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के लोग ठीक नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। केवल पाकिस्तान के लोग नहीं, पाकिस्तान के नेता हैं, जो यहाँ के नेता हैं उनकी सोच है। पाकिस्तान की जनता से आप मिलेंगे तो आपसे बहुत अच्छे मिलेंगे, अगर बता दीजिए उनसे महात्मा गांधी के उसमें हैं तो इतना ज़्यादा आपके साथ सम्मान करेंगे। लेकिन ये नेता और ये कुछ राजनीतिकों की वजह से हम लोगों के बीच मनमुटाव हो गया है, जो अभी तक जनता चला आ रहा है। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति महान कैसे बनता है, व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, व्यक्ति अपने विचारों से महान होता है, अपने कर्मों से महान होता है। व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की सोच में और महान व्यक्ति की सोच में कोई अंतर नहीं रहता, केवल उसके विचार उसको महान बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।